हेलो गाइस, वेलकम हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली नई वैकेंसीज़ के बारे में। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ हिमाचल एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप हमारी जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसकी बुकलेट चाहते हैं MCQ फॉर्म में विद आंसर की, तो 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की ऐसी बुकलेट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन PDF अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले नंबर पे लिंक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इन वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज जो निकली हैं ये हैं 5 पोस्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर और 5 पोस्ट हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसीज़ भरी जाएंगी। फुल नोटिफिकेशन में अगर बात करें क्या क्या यहाँ पे बताया गया है, तो ये वैकेंसीज़ हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और यहाँ पे आप ब्रेकअप जो है वैकेंसीज़ का देख सकते हैं कि 5 वैकेंसीज़ जो इंस्पेक्टर की हैं वो किस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है कैटेगरी वाइज, और आपकी जो कैटेगरी है इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी की उसमें भी यहाँ पे कैटेगरीज में डिफ़ाइन की गई है वैकेंसीज़, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं आपको जाना पड़ेगा www.hptax.gov.in। यहाँ पे आपको ये पूरी नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल जो है आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब ये वैकेंसीज जो हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो बोनाफाइड हिमाचली हैं, और जो इसमें टेलीफोन नंबर है एम्प्लॉयर का, यानी कि अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 2621835, और जो शिमला का यहाँ पे कोड होगा वो भी आप STD कोड जो है यहाँ पे यूज़ करिएगा, तभी ये नंबर जो है आप मिल पाएगा आपका। Class 3 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो है आप देख सकते हैं पूरी डिटेल जो है इसमें बताई गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप JEE IT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए, या फिर अगर आपने मैट्रिक की है तो आपके पास 1 या फिर 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सेक्टर का किसी ITI से, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT का किसी पॉलिटेक्निक से। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 words per minute इन इंग्लिश या फिर 25 words per minute इन हिंदी की, और इसमें एज लिमिट 18 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जेंडर जो बार है इसमें कोई भी नहीं है, फीमेल या फिर मेल दोनों इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो ये रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो एक वैकेंसी है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए, दूसरी है 2 वैकेंसीज़ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, एक वैकेंसी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें इंक्लूड है सेरिब्रल पाल्सिस, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक वैकेंसी है DNE ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। और यहाँ पे जो दूसरी बताई गई है JEE IT के लिए, इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, जैसे ऊपर था जो लाइन वाइज इसमें डेफिशिएंसीज बताई गई थी, तो उसी क्रम वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। स्केल इसमें देख सकते हैं आप, पे बैंड जो रहेगा ग्रेड पे रहेगा इसमें 3600, और दूसरा रहेगा इसमें 4200 का ग्रेड पे, और साथ ही साथ जो है JEE IT का भी 1950 रुपये ग्रेड पे यहाँ पे बताया गया है। बाकी जो इसमें इंस्ट्रक्शंस और जो एप्लीकेशन फिलअप करने की जो यहाँ पे कंडीशंस रहेंगी, तो आपको जो है एप्लीकेशन भेजनी है ये द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज HP शिमला 9, फ़ोन नंबर रहेगा 2621635। एक बार एड्रेस दोबारा से नोट कीजिए, द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज, स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, ब्लॉक नंबर 30, STA कॉम्प्लेक्स कुशुमटी शिमला 171009, फ़ोन नंबर रहेगा आगे। ये एड्रेस है जिस पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे बता दूंगा आपको, पर्सनली भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा सबमिट कर सकते हैं 10 जून 2022 तक। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट की अगर बात करें तो इससे पहले यहाँ पे बताया गया है मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है आपका टोटल जो मार्किंग रहेगी इसमें 30 नंबर की रहेगी, और इसमें जो वेटेज है आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की 10 नंबर होंगे। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस जो सर्टिफिकेट के यहाँ पे कितने नंबर लगेंगे,
30 नंबर में से आपकी टोटल जो है मेरिट बनेगी, और इसमें बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। और आप जो है पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं hptax.gov.in, और जिस लिफाफे में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, या फिर अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए करें तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने होंगे जिनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको भेजनी है, तो इसमें जो है आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भेजना है, आपकी प्लस टू के सर्टिफिकेट भेजने हैं, और जिसने इंस्पेक्टर के लिए किया है उनको प्लस टू एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और BA डिग्री जो है इसके लिए भेजनी है, अटेस्टेड कॉपीज़ भेजनी है अपने अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की, 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप भेजने हैं जिसके ऊपर स्टैंप लगी हो, 5 रुपये की, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, नेम और एड्रेस जो है कैंडिडेट का वो लिखा होना चाहिए फ़ोटोग्राफ के उल्टी साइड यानी कि दूसरे वाली साइड जो खाली होती है उस पर आपको लिखना होगा, अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा, और नेम जो है कैंडिडेट का यानी कि आपका नाम जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वो भी आपको यहाँ पे बतानी होगी, और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो ऊपर मैंने आपको बताया था कॉलम वो आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। तो यही थी इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको पूरी करनी है। एप्लीकेशन फॉर्मेट की बात करें तो इस तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लें जो वेबसाइट मैंने बताई थी, और ये एडमिट कार्ड रहेगा इसके साथ जो आपको फिलअप करके यहाँ पे भेजना होगा। तो हे तो गाइज, इस वीडियो में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।